बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर अंकित गुप्ता का शॉकिंग इविक्शन हो चुका है। अंकित गुप्ता शो से बाहर निकल चुके हैं। अंकित गुप्ता के इविक्शन के बाद उनकी गर्लफ्रेंड प्रियंका चहर चौधरी जो हैं, वो पूरी तरह से नाराज दिखाई दी बिग बॉस के मेकर्स के सामने, और साथ ही साथ उन्होंने एक चौंकाने वाला कदम जो है वो उठाया। आखिर किस वजह से प्रियंका चहर चौधरी जो है वो नाराज हुई, और आखिर क्यों प्रियंका चहर चौधरी ने ये कहा कि वो शो में नहीं रहना चाहती हैं, वो शो को क्विट कर रही हैं, ये बात आखिर प्रियंका ने क्यों कहा, चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस के घर के अंदर अब तक का सबसे बड़ा शॉकिंग इविक्शन, शॉकिंग एलिमिनेशन जो है वो हो चुका है। अंकित गुप्ता शो से बाहर हो चुके हैं। अंकित गुप्ता वोटों के बेसिस पे नहीं, जनता के बेसिस पे नहीं, बल्कि हाउसमेट्स के वोटों के बेसिस पे गए हैं घर के बाहर, क्योंकि घर वालों ने उन्हें वोट आउट किया, उनका योगदान काफ़ी कम बताया, काफ़ी कम कहा, और साथ ही साथ उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर अंकित गुप्ता को वोट आउट किया घर वालों ने, जिसके बाद यहाँ पर अंकित गुप्ता को सलमान खान कहते हैं कि सलमान खान ये बोलते हैं कि आ जाओ अंकित, हो गया आपका समय पूरा, और आप सभी को टाटा बाय बाय बोलकर बाहर आ जाओ। फूट फूट कर रो पड़ती हैं इसके बाद प्रियंका चहर चौधरी। प्रियंका चहर चौधरी पूरी तरह से इमोशनली टूट जाती हैं प्रियंका, और साथ ही साथ प्रियंका कन्फेशन रूम में जाकर बिग बॉस की मेकर से कहती हैं कि अंकित अगर इविक्ट हो गया, अंकित अगर चला गया घर के बाहर, तो मैं भी इस घर में रहकर क्या करूंगी, मैं भी इस घर को छोड़ना चाहती हूँ, मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूँ, क्विट करना चाहती हूँ, और आप बिग बॉस मुझे बताएं कि अंकित गुप्ता इतना क्या कमज़ोर थे। आपको भी पता था अंकित गुप्ता जो है वो कमज़ोर नहीं थे, लेकिन आपने भी ये कहा कि वीक कंटेस्टेंट है अंकित गुप्ता, और घर वाले भी कहते हैं कि अंकित वीक कंटेस्टेंट था, लेकिन अंकित गुप्ता वीक कंटेस्टेंट नहीं था। अंकित गुप्ता जैसा भी था वो दिल से खेल रहा था इस घर में, और आपके नियम और कानून के मतलब पूरी तरह से रास्ते पर जो है वो चल रहा था, ये बात बोलते हुए नजर आएंगी अंकित गुप्ता के बारे में प्रियंका चहर चौधरी। और प्रियंका चहर चौधरी ये भी बोलने वाली है कि ये इविक्शन जो था पूरी तरह से नाइंसाफी था, वोटों के बेसिस पे अगर होता तो मैं समझ सकती थी, लेकिन घर वालों के वोटों के बेसिस पे हुआ ये इविक्शन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मुझे लगता है कि ये इविक्शन नहीं होना था, ये पूरी तरह से नाइंसाफी था, और इसीलिए मैं चाहती हूँ ऐसे शो में नहीं रहना, ऐसे शो में जहां पर इविक्शन जो है पूरी तरह से अनफेयर हो रहा हो, एक कंटेस्टेंट को बार बार बुली किया जा रहा हो, और इतना बुली किया जा रहा हो कि वो इंसान, अगला इंसान जो है दिल से पूरी तरह से टूट जाए, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती, ऐसे घर में मैं ऐसे घर का पार्ट में नहीं बन सकती, ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आएंगी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चहर चौधरी। और प्रियंका चहर चौधरी बहुत ही चौंकाने वाला कदम उठाने वाली है, और वो कहते हुए नजर आएंगी कि वो शो को छोड़ना चाहती हैं। अब इसके बाद देखना होगा कि बिग बॉस के मेकर्स और बाकी घर वाले क्या करते हैं। ये बड़ी बात, बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ जो है वो शेयर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।